लगातार नजर डालते हैं शहर की कुछ खास और बड़ी खबरों पर। गंभीर नदी में रेत का अवैध उत्खनन करने वालों को ग्रामीणों ने पकड़ा। रेत से भरी बड़ी नाव व जहाज छोड़कर भागे माफिया। ग्राम खड़ौतिया में गंभीर नदी में रेत का अवैध खनन करने वाले रेत माफियाओं को ग्रामीणों ने घेराबंदी करके पकड़ा तो माफिया बड़ी नाव जहाज छोड़कर भाग गए। उल्लेखनीय है कि गंभीर नदी में बड़ी नावों का सेटअप जमा कर बड़े पैमाने पर रेत उत्खनन किया जा रहा है। तभी ग्राम खड़ौतिया के लोग एकत्रित होकर पहुंचे तो रेत माफिया वहां से भाग गए। इसके बाद ग्रामीणों ने राजस्व, खनिज और पुलिस को अवैध उत्खनन किए जाने की शिकायत की। इस पर काफी इंतजार के बाद खनिज विभाग की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद चिंतामन थाना पुलिस व भैरवगढ़ थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। उसके बाद खनिज विभाग के इंस्पेक्टर आलोक अग्रवाल ने पंचनामा तैयार कर ग्रामीणों द्वारा पकड़ी गई नाव व जहाज को थाने पहुंचाया। अधिकारियों ने बताया कि माफिया नदी से अवैध उत्खनन दो तरह से करते हैं। एक तो वे किनारे से खुदाई कर मजदूरों से रेत निकलवाते हैं, उन्हें नाव में जमा करवाते हैं और बाहर ले जाते हैं। लेकिन अभी वे उत्खनन के लिए हाईटेक सेटअप का उपयोग करने लगे हैं। जैसे ही ग्राम खड़ौतिया में जब्त हुआ है, पूर्व में ऐसा सेटअप बड़े जहां जनुमा नाव सहित ऐसे पहले भी पकड़े जा चुके हैं। खनिज विभाग के अधिकारी का कहना है कि खनन माफियाओं के खिलाफ ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। नहीं, मेरे को अभी एक घंटे डेढ़ घंटे पहले खबर मिली थी, कहीं दूसरी जगह था तो वहां से आने में लेट हो गया, फिर स्टाफ को बुलाया इसलिए थोड़ा समय हो गया। ग्रामीण जी ने क्या बताया आपको? नाव का मामला था, अभी आया हूँ, अभी पूछता हूँ कि उनकी जमीन के पास में कहीं ये नाव चला रहे थे